सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी अपडेट शेयर करने वाला हूं यूएई से रिलेटेड। जो लोग भी अभी यूएई, दुबई, अजमान, फुजेरा, रसल खेमा, अजमान कहीं भी रह रहे हो या फिर यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के केसेस अभी दुबई में फिर से एक्टिव होने लगे हैं। लोगों के अंदर कोविड का जो संक्रमण है, जो सिम्टम्स हैं, वो फिर से मिलने लगे हैं। तो इसको देखते हुए यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किया गया है, जिसे आपको जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे ज़रा सा भी नज़रअंदाज किया तो आपको अच्छा खासा मुखालफा यहाँ पर पड़ सकता है, जिसको फ़ाइन बोलते हैं। मुखालफा अरबी में बोलते हैं, हिंदी में उसको जुर्माना बोलते हैं, इंग्लिश में उसे फ़ाइन बोलते हैं। अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले अभी मंकी पॉक्स का वायरस आया था, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस आने के बाद क्या हुआ कि कोविड के जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ने लगे। ये चीज़ तो WHO ही कंफर्म कर सकता है, यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, या फिर एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है इसकी वजह से केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर कोई और कारण हो सकता है। वैसे गर्मियों में तो कम हो जाता है, लेकिन अभी केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएई में ही ऐसा हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी केसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। तो जिसके देखते हुए अभी यूएई गवर्नमेंट ने जो मास्क है ना, पहले क्या होता था कि आपको कुछ जगहों पर छूट मिल गई थी, लेकिन अभी वो सारी छूट ख़त्म कर दी गई हैं। सारी छूट का मतलब ये है कि अभी मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो फाइन फिर से आपको लगेगा, और फिर से यहाँ पे मास्क जो है वो चेक होने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग, आप कहीं भी जा रहे हो तो जब तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती है कि बिना मास्क के आप घूम सकते हो, तब तक आप मास्क मत हटाना। आप मास्क हटाओगे और बिना मास्क के अगर आप पकड़े गए तो 3000 का जुर्माना आपका तय है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीन पास की। जैसे आप सभी को पता है, अल हुसैन ऐप में ग्रीन पास होता है, अगर आप कोविड टेस्ट कराते थे तो उसमें 30 दिन का आपको टाइम मिलता था, उस 30 दिनों के अंदर आप कहीं भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन अभी उसे घटाकर 14 दिन कर दिया गया है, यानी 15 दिन कर दिया गया, जस्ट 15 दिन, यानी 14 दिन आ सकते हो, उसके बाद एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, आप ये मान लीजिए 14 दिन का सही समय मिलेगा, उसमें 15 दिन दिया हुआ है। तो 15 दिन से ऊपर आप जो है नहीं जा सकते, आपका ग्रीन जो है, जो ग्रीन है वो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, आपको फिर से ग्रीन करने के लिए फिर से आपको कोविड का टेस्ट कराना होगा। तो ये दो मेन अपडेट थी, ठीक है। अगर आप लोग अभी यूएई में बाहर कहीं घूम रहे हो तो बिना मास्क के घूमो नहीं, और अगर आपको अपना जो है, अपना जो स्टेटस है अल हुसैन ऐप का, जो भी RT-PCR का स्टेटस है, ग्रीन रखना है, तो आपको हर 14 दिन के बाद अपना RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, ठीक है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।